नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। आप सभी ने सुपरस्टार अजय देवगन की कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन इनमें से सबसे लोकप्रिय फिल्म है सिंघम। आपको बता दें कि सिंघम की रिलीज के बाद अजय देवगन काफी ज्यादा सुर्खियों में थे। लोगों ने उनके पुलिस वाले रोल को काफी ज्यादा पसंद किया था। खैर, ये तो हुई फिल्मों की बात, लोग इनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि काजोल के साथ उनकी कई पिक्चर्स को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही उनके लाइफस्टाइल और उनके फिटनेस को लेकर भी वो अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि साल 1991 में अजय देवगन ने फूल और कांटे से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, और आज वो दिन आ गया है जब उनको उनके फिल्मी करियर में 3 दशक पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, अजय देवगन ने बॉलीवुड में अपने 3 दशक पूरे कर लिए हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि अजय देवगन ने हमेशा से अपनी पिक्चर्स को लेकर लोगों को काफी ज्यादा एंटरटेन किया है। एक्टर ने अपने अलग अलग किरदार के साथ दर्शकों को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है। अजय ने लेजेंड ऑफ भगत सिंह, ओमकारा, गोलमाल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, राजनीति, सिंघम जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। आपको बता दें कि अजय देवगन ने इन 30 सालों में 100 से भी ज्यादा फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि साल 2000 में उन्होंने खुद का भी एक प्रोडक्शन हाउस खोला था और अपने ही नाम के जैसे अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम भी रखा था, यानी कि अजय देवगन फिल्म्स। जी हाँ, उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम अजय देवगन फिल्म्स है, और उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए चाचू राजा और सन ऑफ सरदार, साथ ही सिंघम रिटर्न्स जैसी कई फिल्में दी हैं। अजय देवगन ने उत्तर भारत में कई जगह सिनेमा हॉल भी खुलवाए हैं, जिससे लोगों को सिनेमा में जाकर पिक्चर्स देखना काफी ज्यादा आसान हो गया था, और इस चीज के लिए उनकी काफी ज्यादा सराहना भी होती है। साथ ही आपको बता दें कि इन पूरे 30 सालों के सफर में अजय देवगन ने जितने भी रोल्स किए हैं वह सभी में फिट बैठे हैं। साथ ही लोगों को कभी भी उनके किसी भी रोल को लेकर शिकायत सुनने को नहीं मिली है। साथ ही वे कॉन्ट्रोवर्सी से भी दूर रहते हैं। आपको बता दें कि हाल ही की सुपरहिट फिल्म सूर्यवंशी में भी अजय देवगन ने एक हेल्पिंग रोल किया था, जिसके लिए उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। उनका ये कहना है कि उनके पुलिस के रोल को जितनी ज्यादा सराहना मिली है उससे वह बेहद ज्यादा खुश रहते हैं, इसी वजह से उन्होंने सूर्यवंशी में भी किए गए रोल के लिए पैसे नहीं दिए। अजय देवगन के इस पूरे 30 सालों के सफर में उनकी कौन सी फिल्म आपकी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।